हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली व्लॉगर सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ जो है अभी मैंने किया है व्लॉग शुरू शाम के टाइम से, क्योंकि आज सुबह मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो इसलिए मैंने अभी शाम के टाइम जो है ये कपड़े धोए हैं। और आजकल कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि गर्मी होती है तो पसीने से जो है बस फिर बच्चे भी बार बार चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए फिर अभी मैंने ये शाम के टाइम धो लिए हैं। और मशीन में जो है कपड़े एकदम इकट्ठे से इनका वो बन जाता है झोल सा, तो वो मैं ठीक कर रही थी यहाँ पे। और बाहर जो है मैंने यहाँ पे पाइप लगाई हुई थी और खुद मैं अंदर चली गई थी, तो यहाँ कूलर भी भर गया है। तो अभी जो है कूलर पाइप मैंने हटा दी है और साथ के साथ यहाँ पे अभी डाल लेते हैं कपड़े सूखने के लिए। और अभी जो है धूप वैसे चली गई, थोड़ी थोड़ी सी ये शाम के टाइम की धूप है, आपको दिख ही रही होगी। और वैसे भी आजकल जो है ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो हवा मतलब थोड़ी बहुत हवा में ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। एवरीवन वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अंदर और कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अभी जो है मैं मटर छीलने लगी थी, मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम हो तो मतलब फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और उसे ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ मतलब उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको जो है चैनल सर्च ना करना पड़े। तो चलिए अभी मैं छील लेती हूँ मटर। और आज मैं क्या बनाऊँगी, जो भी करूँगी, आज मैं बस ऐसे ही आपके साथ मतलब इवनिंग से लेके रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर कर लेती हूँ मैं अभी काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है मार्केट से मटर लेके आए थे पिछले कल, तो ये जो थे ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने सोचा इनको छिल के रख देती हूँ, मैं हमेशा जो है छिल के डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर इनका छिलका भी ख़राब होने लग जाता है और मतलब सड़ से जाते हैं, फिर मेरे को जो है मटर छिलना बहुत गंदे लगते हैं। तो अभी जो है मैं इनको छिल के रख रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, तो बच्चों को दूध यहाँ मैं दे रही थी और साथ साथ अपने लिए मैं बना रही थी चाय। और यहाँ मैं बच्चों को दूध बना रही थी और साथ में चाय भी बन रही थी, क्योंकि अभी जो है इस टाइम आते हैं ऑफिस से इनके पापा, तो हम साथ में ही बैठ के चाय और दूध पी मतलब बच्चे दूध पी लेते हैं और हम लोग चाय पी लेते हैं। और मैंने जो मैंने साथ में बनाए थे समोसे, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, बस मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि आज हमें जो है हमने समोसे बनाए थे इवनिंग टाइम पे। तो मतलब उसके साथ जो है ग्रीन चटनी बनाई थी और खट्टी मीठी चटनी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि जो एकदम जो है मेरे गला जो है एकदम ख़राब हो जाता है, और जब आपके घर में चटनी वैसी खट्टी मीठी बनी हो तो फिर आपसे रहा भी नहीं जाता खाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाई ही नहीं। बच्चों को सॉस और ये ग्रीन चटनी बना के हमने जो है समोसे खा लिए। तो यहाँ देखिए उठाने की तैयारी भी हो गई है, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बच्चों से। तो अभी हम खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं और बात का फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चाय और मतलब समोसे वगैरह हमने खा लिए हैं। और यहाँ देखिए बर्तन तो अब साथ के साथ ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और अभी जो है इनके ऑफिस के टिफ़िन भी होते हैं और चाय वगैरह के बर्तन भी होते हैं, तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ साफ़। और फिर उसके बाद जी शुरू कर लेते हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में आज क्या बनेगा तो आप देख लीजिए खुद ही आगे क्या मैं बनाने वाली हूँ आज डिनर में। और यहाँ पे फिर बर्तन धोने के बाद जो है मैंने यहाँ पे दो मक्की थी बड़ी बड़ी, तो मैंने सोचा ये जो है सूख जाएंगी, इससे अच्छा पहले इनको छिल के जो है स्टोर कर लेती हूँ। तो फिर मैं इनको छीलने में लगी, क्योंकि कौन ये जो आपको पता ही है कौन तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छी मतलब किसी कैसे भी मतलब किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने सोचा इनको जो है छिल के रख देती हूँ, क्योंकि ये जो थे ये 6 पीस थे, तो थोड़े से तो हमने मतलब 4 हमने भून के खा लिए थे और ये 2 बचे थे, तो इनको मैंने सोचा छिल के अभी जो है स्टोर करके रख देती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं जो है सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी, न्यूट्री चूरा मैं भिगोने के लिए डाल रही थी, तो यहाँ ये भी आ गए थे। तो यहाँ देखिए ये जो है कटी हुई सब्जियों को मतलब वहाँ से वो ये उठा के खा रहे हैं, और मैं इनको कह रही थी कि मसाले रखे हुए हैं आप उनको पीस दो। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो जो है उनको मैंने 2 दिन अच्छे से धूप लगा दी थी, तो उसके बाद जो है फिर ये जो है इनको मैंने मसाले पीसने के लिए दे दिए। और आज मैं बना रही हूँ ये सब वेज पुलाव सा, या आप वेज बिरयानी भी बोल सकते हो, क्योंकि चावल दिन के ऐसे ही मतलब बच गए हैं थोड़े से, तो मैंने सोचा उनको जो है इस तरीके से जो है फ्राई करके हम अभी खा लेते हैं, क्योंकि समोसे वगैरह खाए थे तो इतनी भूख नहीं थी, तो मतलब उन्हीं चावलों को जो है थोड़ा सा इस तरीके से बना के जो है मतलब हम खा लेंगे। तो यहाँ मैंने मटर लिए हैं, शिमला मिर्च है, एक आलू है, और प्याज है, टमाटर है, और ये जो है ये न्यूट्री चूरा है। तो ये भिगो के जो है मैंने इसको मतलब अच्छे से सोख करके रख दिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने देसी घी डाला है, और लौंग डाला है, और तेज़पत्ता डाला है यहाँ पर खड़े मसालों में, और एक बड़ी इलायची डाल दी है, और साथ में डाला है ये जीरा। तो ये चावल बचे हैं तो मैं इस तरीके से जो है उनको फ्राई कर देती हूँ, या मैं चावल की मतलब अलग अलग तरह की डिशेस बना के जो है चावलों का इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि आपने मेरी जो भी मेरा शुरू से सब्सक्राइबर है उसने मतलब हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं चावल की जो है नई से नई डिश मैंने यहाँ पे मतलब शेयर की है, क्योंकि हम तो चावल खाते ही खाते हैं, एक टाइम हमारे घर में दिन को चावल बनता ही है, बहुत ही कम है जब हम नहीं बनाते। तो बस फिर इसी तरीके इस जो है ये सारी सब्जियों को पहले मैं थोड़ी देर अच्छे से मतलब ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए इनको पका लूँगी, और फिर उसके बाद जो है इसमें चावल मिक्स कर दूँगी। और मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत जैसे नमक हो गया, और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये गरम मसाला, और जो है रेड मिर्ची यहाँ ऐड की है, और बस ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरीके के चावल, बहुत खुशी से बच्चे खा लेते हैं, और जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से मतलब इसमें मिक्स हो जाती है, तो हेल्दी सा मतलब ये बन जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा वेज पुलाव रेडी है, और अभी हम कर लेते हैं डिनर, फिर डिनर के बाद जो है मैं आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है डिनर वगैरह हो गया है, और आपको जो है बताना कैसा लगा वीडियो, अगर और वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और भारत सरकार ने लिया है बहुत बड़ा फैसला, 59 ऐप्स जो है इनकी चाइना वालों की जो है बैन कर दी है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और मतलब हम लोगों को जो है इस फैसले का हमें आदर करना चाहिए, मतलब हमें खुशी होनी चाहिए सबको इस चीज़ की। और जो क्योंकि देखिए अभी जो 20 सोल्जर हमारे जो अभी शहीद हुए हैं, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा उनको, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी भी थोड़ी मतलब थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है अनबैलेंस होगी। तो ये जो है बहुत अच्छा फैसला है, मुझे इस फैसले की बहुत खुशी हुई है, हम सबको हुई है, शायद सब लोगों को हुई है। कुछ लोगों को जो है इस चीज़ का झटका भी लगा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोगों के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर थे, और काफ़ी मतलब इससे भी लोग जो थे कमाई कर रहे थे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और आपको खुशी होनी चाहिए कि हमने जो है चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो भी बॉर्डर पे हमारे लिए देखिए हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, मतलब सबको छोड़ छाड़ के वहाँ पे बॉर्डर में खड़े रहते हैं, तभी हम सेफ हैं, हम आराम से अपने घरों में बैठे हैं, हमें कोई डर नहीं है, मतलब अब बेझिझक होके मतलब बेफिक्र होके हम लोग जो है घरों में रहते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बेफिक्र होके अपने घरों में आराम से चैन से रहते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये फैसला, और सबको ही लगा है शायद, तो आप बताना ज़रूर सबको मतलब अच्छा लगा या कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक होप है सारे भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो है 59
ऐप जो है उनकी बैन होगी। हेलो ऐप है और शेयर इट है और टिकटॉक है, बहुत सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐप जो है वो उनकी बैन हो गई है। तो लास्ट में यही कहूँगी, जितने भी हमारे सोल्जर हैं उनको जो है हमारा बहुत बहुत नमन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।